भारत और चीन के तनावपूर्ण संबंधों का असर यहां पटना में महात्मा गांधी सेतु के समानांतर बन रहे एक पुल पर भी पड़ा है, क्योंकि इसके निर्माण में लगी 7 कंपनियों में से 2 कंपनियां चीन की कंपनियों से जुड़ी हुई थी। चूंकि भारत में चीनी सामान के बहिष्कार की बात हो रही है, ऐसे में कोई चीनी कंपनी किसी परियोजना में कैसे हिस्सा ले सकती है। यही वजह है कि इसके टेंडर को रद्द कर दिया गया है। यहाँ महात्मा गांधी सेतु से 38 मीटर दूरी पर ये एक नया पुल बनना है और इस पुल का निर्माण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो बिहार का पैकेज है उसके तहत किया जा रहा था, लेकिन अब इसका टेंडर रद्द कर दिया गया है। हालांकि रद्द करने के साथ ही केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दोबारा टेंडर भी कर दिया है 27 जून को, और 29 जुलाई तक इसका टेंडर भरा जा सकता है और 31 जुलाई को टेंडर खोला भी जाएगा। कुल इसकी लागत 2927 करोड़ की है और 14.50 किलोमीटर का ये पुल है। तो ऐसे में दोबारा टेंडर करने से पुल के निर्माण में देरी हो सकती है। ऐसा पहले माना जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इसका काम शुरू हो जाएगा, और इसलिए पिछले साल अक्टूबर में ही इसका टेंडर भी निकाल दिया गया था। इसमें 7 कंपनियों को टेंडर भी मिल गया था, लेकिन ये चीन का जो मामला सामने आया है उसकी वजह से अब इसमें देरी हो सकती है। कैमरामैन नदीम आलम के साथ सुजीत कुमार झा, पटना।